पापा जी कुछ नहीं, बस वो इतिहास के कुछ पन्ने दोहरा रही थी। कौन सा इतिहास के पन्ने खोल रही हो तुम? मैंने कहा अभी जब ये सब चीजें बंद करो। खुशी के मौके पे जैसे उल्टा सीधा दिखाई के काय परेशान कर रहे हो लल्ला को? बंद कर दो जे बकवास। जे बकवास ना है जी जी। और जे बात इस घर में आपसे बेहतर और कौन जान सकत है? तिवारी जी, आपने देखा ना, अम्मा की जान बड़ी बहन ने ली, लेकिन इल्जाम लगा दिया छोटी बहन पे। तू कहना का चारी रेनुका, नाटक में कछु भी दिखाई देने से सच थोड़े ना बदल जावेगा। और सच तो जे है कि सुकन्या ने पाप करो तो हमने ना मारो अम्मा को, चलो तो ही तो सब पता है। हमने तो अब तक जे कहा ही नहीं कि आपने अम्मा की जान ली थी जीजी। हम तो केवल इस नाटक की कहानी बताए रहते जीजी, आपने सब कुछ अपने ऊपर काहे ले लिया? तिवारी जी, 10 साल की उम्र में आपकी आंखों पर जो पर्दा डाला गया था, हम उस पर्दे को अब हटा रहे हैं। तिवारी जी, आपकी अम्मा की जान ऐसे ही गई थी, लेकिन उनकी जान सुकन्या जीजी ने नहीं, बल्कि इन्होंने, सुमित्रा जीजी ने ली थी। जो कुलचने की एक बात ही मत सुनियो लल्ला, दुश्मन है जे शुरू तो हम भाई बहन के प्रेम की, सच तो आंखन के सामने घटे होता ना लल्ला। जा दे ना, जा दे लल्ला, सुकन्या ने मारा होता अम्मा को। क्या हुआ माँ? माँ हाथ पैर नहीं मारा माँ को। लल्ला माँ इसकी वजह से गिरी है, ये कौन ही है जे जाने मारा माँ को? चौकी माँ ने चाहे वो लफंगे से ब्याह करने को मना कर दिया हो तो जे ही बात है। झूठ बोल रही है तू, तूने माँ को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी गुटी। आपने अपनी आंखों से सुकन्या जीजी को अम्मा की जान लेते हुए देखा था? तुम कहना क्या चाहती हो रेनुका? जिस अतीत से मैं नफरत करता हूँ, जिस अतीत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जिस अतीत को तुम जानती नहीं हो, उसको तोड़ मरोड़ के मुझे क्यों दिखा रही हो? क्या साबित करना चाहती हो, बोलो। हम आपको केवल सच दिखाना चाहते हैं तिवारी जी, और इस बार हम सच आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। अरे कैसा सबूत? ये नाच गाना, ये ड्रामा करके इसे सबूत कहती हो तुम? झूठी कहानियां सुनाकर तुम झूठ को सच में नहीं बदल सकती, समझी? ना जी झूठ है न कहानी, जे हकीकत है। किसने कहा ये हकीकत है? तुम जानती क्या हो मेरे बचपन के बारे में? बोलो बोलो रेनुका, किसने? सुकन्या जी जी ने। मुर्दन से बात करने लगी अब जे, पागलखाने भिजवाए जाए। बिल्कुल वैसी जैसे आपने सुकन्या जीजी को भिजवाया था। बंद करो अपनी बकवास। रेनुका तुम जानती हो, मैं जानता हूं, यहाँ पे बैठे सब लोग जानते हैं कि सुकन्या जीजी मर चुकी है। अगर हम कहें कि सुकन्या जीजी मरी नहीं है, जिंदा है, तो अगर हम कहें कि वो यही है तो